Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 7th chapter, page number 102, question number 14. Find the surprising number by following the step as directed. Find the surprising number by following the steps as directed. यहाँ पे जो step दिया गया वो step को follow करके surprising number find कीजिए. एग्जाम्पल तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दिया गया वो रीड करते हैं. व्हाट इज योर एज 10 डबल इट 10 इंटू 2 दैट इज कॉल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 20 इंटू 5 दैट इज कॉल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 100 डिवाइड 10 दैट इज कॉल 10. हियर द आंसर इज सेम एज योर एज. व्हाट इज योर एज तो एज को अपने सपोज मैंने एज को मैं 10 ईयर्स लिया. एज कितना मैंने लिया 10 ईयर्स डबल इट. बाद में आपका जो एज है उसको डबल कीजिए. तो मैंने 10 लिया था 10 को डबल किया तो डबल कैसे करते जो एज लिया उसे 2 मल्टीप्लाई करके. सो 10 इंटू 2 सो 10 टू जा 20. तो एज को डबल करने से कितना मिला 20. बाद में मल्टीप्लाई बाय 5 वो 20 से आपको 5 मल्टीप्लाई करना. सो 20 इंटू 5 25 जर 100 देन डिवाइडेड बाय 10 बाद में 100 डिवाइड 10 100 को 10 में डिवाइड किया तो कितना मिला 10 मिला. हियर द आंसर इज सेम एज योर एज. तो यहाँ पे आंसर कितना मिला 10 मिला. तो आपका एज जितना लिए थे तो आंसर देखिए वो सेम है. तो यहाँ पे मैंने एज लिया था कितना 10 लिया था आंसर इसके कितना आया 10 आया. देन फर्स्ट नंबर व्हाट इज योर फ्रेंड्स एज. आपका फ्रेंड एज कितना है तो आप कोई भी एज ले सकते हैं. आपका जो फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड का एज जितना आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सपोज मेरा फ्रेंड का एज कितना है 15 है तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा. बाद में डबल इट तो डबल इट मतलब ये 15 को मुझे डबल करना. तो कैसे डबल करेंगे सो 15 प्लस 15 15 को दो बार एडिशन करके भी कर सकते हो नहीं तो 15 से 2 मल्टीप्लाई करके कर सकते हो. तो यहाँ पे जैसे स्टेप दिया गया वही स्टेप फॉलो करके करना डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई करना. सो 15 इंटू 2 सो 15 टू जर अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. सो 15 टू जर 2 5 जर 10 राइट डाउन 0 कैरी 1 2 1 जर 2 प्लस 1 3 सो 15 टू जर 30 डबल करने से कितना हुआ 30 देन मल्टीप्लाई बाय 5 बाद में ये 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना 30 इंटू 5 सो दिस 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 5 फाइव जीरो जार 0 फाइव थ्री जार 15 सो दैट इज कॉल टू 150 देन डिवाइडेड बाय 10 तो ये 150 को 10 में डिवाइड करना. तो यहाँ पे लिखे 150 डिवाइड 10 सो दिस इक्वल 150 को 10 में डिवाइड करना 150 को 10 में डिवाइड कीजिए टेन वन चार 10 तो अभी माइनस कीजिए 5 माइनस 0 फाइव
वन माइनस वन जीरो, तो अभी एक जीरो को नीचे लाइए, तभी क्या है 50। देन 10 5 जार 50, 50 माइनस 50 दैट इज कॉल्ड जीरो, सो 15 150 डिवाइड 10 दैट इज कॉल्ड टू 15। देन व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिला? तो आपको हमको क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेरा फ्रेंड को एस को मैंने क्या लिया था, 15 लिया था, तो अभी आंसर यहाँ पे कितना मिला, 50 मिला, तो हमको क्या मिला, द आंसर इज सेम एज माई फ्रेंड सेज। तो वही लिखिए, व्हाट डू यू गेट हियर, द आंसर इज सेम ऑफ माई फ्रेंड सेज। हियर द आंसर इज द आंसर इज सेम ऑफ माई फ्रेंड सेज। तो मैंने मेरा फ्रेंड का एस जितना लिया था आंसर उतना मिला, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, हियर द आंसर इज सेम ऑफ माई फ्रेंड सेज। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर, व्हाट इज योर मदर सेज, तो आपका मदर सेज लिखिए, तो आपका मद आप जितना ले आपका मदर एज आप उतना ही लिखना। तो मैंने लिखा मेरा मदर केस, मैंने लिखा अबाउट 60 ईयर्स, आर 10 टू 8 बाद में, आपका जो मदर एज लिया उसे आप अभी क्या करना, आर 10 टू 8, तो इसमें 10 आर करना, 10 आर करेंगे तो 60 प्लस 10, आपका मदर एज आप जितना लिया उससे अभी 10 आर कीजिए, सो दिस इक्वल टू 60 प्लस 10, 60 प्लस 10 0 प्लस 0 6 प्लस 1 7 70। देन डबल इट, डबल इट, तो अभी 70 को क्या करना, डबल करना, तो डबल कैसे करते, ये 70 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 70 × 2, सो दिस इक्वल टू 70 × 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 140। तो यहाँ पे लिखिए 140। देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम इट, बाद में आपको क्या करना, 140 से 20 माइनस करना, तो पहले 140 लिखिए, 140 माइनस 20, सो दिस इक्वल 140 से 20 माइनस करना, माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे कोई भी नंबर है 0 लिखिए, 1 माइनस 0 1, 120, तो अभी यहाँ पे 120 लिखिए। देन डिवाइडेड इट बाय 2, तो अभी 120 को 2 में डिवाइड करना, 120 डिवाइड 2, तो 120 को 2 में डिवाइड कीजिए, 120 डिवाइड 2, 2
2 6 12। तब यहाँ पे 108 कीजिए, यहाँ पे 10 करिए, तो माइनस कीजिए, 120 माइनस 100 दैट इक्वल टू 0, सो 60। तो अभी देखिए आंसर कितना आया, 60 आया। तो व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिला? तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 60 आया। तो मेरा जो मदर केस मैंने कितना लिया था, 60 लिया था। तो मदर केस को मैंने 60 लिया था, फिर यहाँ पे आंसर क्या आया, 60 आया, मतलब सेम आया। तो वही लिखिए, सो व्हाट डू यू गेट हियर, द आंसर इज सेम ऑफ माई मदर सेज हियर, द आंसर इज हियर, द आंसर इज सेम ऑफ माई मदर सेज देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज योर फादर्स एज, आपका पापा का एज कितना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा 70 70। तो आप भी आपका पापा के जितना ऐसे ले सकते हैं, देन डबल इट। तो मैंने यहाँ पे पापा के एज को कितना लिया, 70 लिया, बाद उसको डबल करना, डबल मतलब उसमें 2 मल्टीप्लाई करना, 70 × 2, सो 70 × 2, 70 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 0, 2 7 0 40, 140। देन मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, बाद में क्या करना, ये 140 को और एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 140 × 2, 140 × 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 0, 2 4 0 8, 2 1 0 2, 280। देन आड योर फादर्स एज टू इट, बाद में आपका जो पापा का एज है ये 280 से क्या करना, ऐड कीजिए, मतलब प्लस करना, 280 प्लस। तो मेरा पापा का एज को मैंने कितना लिया था, 70 70, सो दिस को 280 प्लस 70, तब याद कीजिए, 0 + 0 0, 8 + 7 15, राइट डाउन 5 कैरी 1, 2 + 1 दैट इज कॉल 3, कितना 350। देन डबल इट अगेन, बाद में क्या करना है, फिर 350 को डबल करना। तो डबल कैसे करते, ये 350 से 2 मल्टीप्लाई करना, 350 × 2, सो दिस इक्वल 350 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 350 × 2, टू जीरो जार जीरो, 2 5 जार 10, राइट डाउन 0 कैरी 1, 2 3 जार 6 + 1 7, 700।
डिवाइडेड बाय टेन, ये 700 को 10 के साथ डिवाइड कीजिए, 700 डिवाइड 10, सो दिस इक्वल 700 डिवाइड 10, 10 सेवन जार 70, तो यहाँ पे 0 ऐड कीजिए, यहाँ पे 0 ऐड कीजिए, 700 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, तो आंसर कितना है 70। तो यहाँ पे आंसर कितना मिला 70। देन व्हाट यू गेट, आपको क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे यहाँ पे मेरा फादर का जो एज है कितना लिया था 70 लिया था, तो आंसर कितना है 70, मतलब आंसर और मेरा पापा का एज वो क्या है, दोनों सेम है, तो वही लेके हियर द आंसर इज सेम, हियर द आंसर इज सेम एज माई फादर सेज, देन नेक्स्ट कम टू द टेस्ट योर सेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। फर्स्ट नंबर, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक, ब्लैंक सर्कल, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक सर्कल, तो ब्लैंक सर्कल में कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 3 ब्लैंक, 7, 8, 12, 20, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 1, 2, 1, 2 को ऐड करने से कितना होता है 1 प्लस 2 दैट इक्वल 3, यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4, यहाँ पे कितना आया 7 आया, तो ये दोनों को प्लस करना जितना होगा कहाँ पे ये आएगा 2, 3, 2 प्लस 3 दैट इज कॉल 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 पे आएगा, तो यहाँ पे 5 लिखिए, तो 5 देखिए कहाँ पे आया बी ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पे बी लिखिए। देन सेकेंड नंबर, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक, ब्लैंक्स में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए सर्कल है ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल है सर्कल है, तो ये राइट हैंड साइड में थ्री शेप को पहले देखिए, थ्री शेप क्या है ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ट्रायंगल है सर्कल है, कौन सा शेप नहीं है ये स्क्वायर नहीं, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है ए, तो यहाँ पे ए लिखिए, और ये ब्लैंक्स में क्या करना ये स्क्वायर ड्रा करके आप 25। देन क्वेश्चन नंबर 3, सो व्हाट विल बी देयर इन द ब्लैंक, ये ब्लैंक्स में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए एरो मार के ऐसे ही बाद में ऐसा मूव किया, ये क्या लेफ्ट मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, बाद में क्या आएगा नीचे आएगा, तो कौन सा आएगा ए वाला होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डी, तो यहाँ पे डी लिखिए। देन 4, हुईज पैटर्न डिफर्स, यहाँ पे जो पैटर्न है कौन सा डिफर्स है, तो यहाँ पे देखिए मैडम रैडर लिवर नून, मैडम
रैडर, लीवर, कौन कौन है लीवर, तो यहाँ पे सी लिखिए। देन फाइव, व्हाट विल बी कॉम इन द ब्लैंक्स। सो व्हाट विल बी कॉम इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में कौन सा शेप आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट शेप है उसका कितने साइड काउंट कीजिए, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट शेप है। बाद में सेकंड शेप में कितना साइड है काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो फर्स्ट शेप में एट साइड है, सेकंड शेप में सेवन साइड है, तो फिर थर्ड शेप में कितना साइड है, थर्ड शेप में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स शेप है, सिक्स साइड है। फर्स्ट शेप में एट साइड, सेकंड शेप में सेवन साइड, थर्ड शेप में सिक्स साइड, तो एक एक साइड कम हो रहा जा रहा है। तो फिर यहाँ पे जो शेप आएगा उस शेप में कितना साइड होगा, फाइव शेप, क्योंकि यहाँ पे सिक्स शेप है। तो यहाँ पे देखिए फाइव साइड वाला शेप कौन सा है, ए, तो ये शेप आएगा, दैट इज। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कौन सा है, सी, तो यहाँ पे सी लिखिए।